हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत मॉर्निंग में 4 AM पे हुई और फिर मैं अपना ब्रश वगैरह करके आ गई थी स्टडी के लिए। गर्म पानी जैसे मैं पीती हूँ, मैं ब्रश करते समय पे ही कर लेती हूँ गर्म पानी, तो उस टाइम पे ही फिर पी लेती हूँ या फिर कभी बाद में भी कर लेती हूँ। तो अभी स्टडी स्टार्ट कर दी है मैंने और अभी मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम सुनते हैं कई बार कि हमारी किस्मत सिर्फ मेहनत करने से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम बैठ के सिर्फ सोचते ही रहेंगे कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये करना है, हमें ये बनना है, तो हम शायद कभी नहीं बन पाएंगे। बट अगर हम उसको एक्शन में लेंगे उस काम को, तो हम ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। और अगर हम सक्सेस हों या ना हो, ये हमारे लिए मतलब पहले हमें नहीं सोचना है, पहले हमें अपना 100% देना है। यानी कि हमें पहले मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सक्सेस होने के लिए। ये तो नहीं कि हम डायरेक्ट एक दिन स्टडी करके और सक्सेस हो जाएंगे। इसके लिए हमें धीरे धीरे ही इफ़ेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसी हमारी सिचुएशन है उस हिसाब से हमें स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि सबके पास अलग अलग काम होता है और अलग अलग टाइम पे वो स्टडी करते हैं। और किसी को क्या होता है कि उसको टाइम नहीं मिल पाता है, किसी को कितना टाइम मिलता है, किसी को कम मिलता है। तो हमें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कुछ भी करके मेहनत ज़रूर करनी है। जॉब लगे या ना लगे, उसके बारे में हमें पॉजिटिव तो रहना है कि हाँ हमारी जॉब लगेगी। बट ये नहीं है कि हम अपना जो 100% है वो उसमें ना दें। और मैं भी यही कर रही हूँ, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ कि हाँ मुझे भी टाइम मैनेजमेंट करना है। ये सब चीज़ें मैं भी कोशिश करती हूँ कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दे सकूँ। पर अब अकेला इंसान है, उसको सब काम करना है, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, उसके घर में एक गिलास भी अगर उठाना है तो फिर वही उठाएगा, तो इसीलिए वो वाली बात हो जाती है। तो पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ और धीरे धीरे ही सही, बट मैं अपनी स्टडी को और इफ़ेक्टिव बनाने की रोज़ कोशिश करती हूँ। रोज़ हमेशा मैं यही सोचती रहती हूँ कि कैसे भी करके मुझे अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। पर आज मैंने सोचा था कि मैं पहले पूरा काम कर लूँगी अपना और उसके बाद स्टडी करूँगी, लेकिन काम तो हो गया था मेरा, पर मैंने जो अपना टाइम कर रखा था कि हनु के जाने के बाद ही मैं स्टडी कर लेती थी, तो वो मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरा माइंड इतना थका हुआ नहीं होता है, तो अच्छी स्टडी मैं कर पाती हूँ। बट फिर भी आज मैंने अपना थोड़ा रूटीन चेंज करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं स्टडी तो कर लेती हूँ बट फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब कर नहीं पाती हूँ, तो बहुत लेट हो जाती हूँ। और बहुत सी बार तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ, डायरेक्ट लंच ही करती हूँ, तो इसीलिए फिर हेल्थ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो इसलिए आज मैंने थोड़ा रूटीन भी चेंज किया है अपना, और ऐसे ही करके मैं नए नए रूटीन ट्राई करती रहती हूँ, नए नए तरीके ट्राई करती हूँ कि हाँ कैसे भी करके मेरी स्टडी के लिए मुझे और ज़्यादा टाइम मिल सके और मैं अच्छी स्टडी कर पाऊँ। तो आप सबके साथ भी मैं समझ सकती हूँ, आप सबके साथ भी यही सिचुएशन है, क्योंकि हाउसवाइफ की लाइफ थोड़ी अलग ही होती है, तो उसमें ये सब काम वगैरह ये तो हमें करनी ही है कैसे भी करके, और स्टडी भी हमें करनी है। तो अब हमें यही पता होना चाहिए कि हमें कब और कितनी स्टडी करनी है, क्योंकि अगर हमें सुबह में हम सोचेंगे कि 4 या 5 आवर पढ़ ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं 4 AM पे उठ के और मेरा ज़्यादातर 1.5 आवर की स्टडी हो पाती है, तो वो मैं कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद बाकी की काम के हिसाब से डिसाइड होती है कि आज कितना काम है और कितनी स्टडी हो पाएगी, क्योंकि मैं काम को छोड़ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे ही करना है।
चाहे वो मैं सुबह करूँ या शाम को करूँ या फिर अगले दिन, वो और ज़्यादा फिर बढ़ के मेरे पास आता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको उसी दिन करने की, ताकि वो ज़्यादा बढ़े नहीं। मगर फिर भी कभी कभी मैं स्टडी के चक्कर में काम छोड़ देती हूँ, तो फिर मुझे बाद में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि करना मुझे ही होता है। और फिर इसीलिए मैं ये सोच के उसको कर ही लेती हूँ। और आज मैंने रूटीन चेंज किया है, तो थोड़ा मुझे अच्छा भी लगा कि हाँ थोड़ा मेरा रूटीन भी चेंज हो गया है। इसीलिए हमको अपने अंदर थोड़े चेंज भी लाके देखने चाहिए। और स्टडी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फैमिली को भूल जाएं या फिर उनको प्रायोरिटी ना दें। मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, स्टडी सेकंड नंबर पे ही आती है। इसीलिए अगर मेरी फैमिली सही है तभी मैं स्टडी कर पाती हूँ, ये मेरा है। और पता नहीं अब सबका अलग अलग होता है, लेकिन मेरे साथ यही है कि अगर मेरी फैमिली ठीक नहीं है तो फिर मेरी स्टडी भी ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों में बैलेंस बना के चलूँ, अपनी फैमिली को भी ध्यान में रखूँ अच्छे से और अपनी स्टडी को भी ध्यान रखूँ, क्योंकि तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। क्योंकि माइंड जब तक हमारा अच्छे से टेंशन फ्री नहीं होता है तो हम ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखना ज़्यादा ठीक समझती हूँ, क्योंकि अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर मेंटली हम डिप्रेशन में हैं और टेंशन में हैं, तो फिर हम ना स्टडी कर पाएंगे, ना खुद का ध्यान रख पाएंगे, ना फैमिली का रख पाएंगे। इसीलिए मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करती हूँ, और इसके लिए मैं अफर्मेशंस का यूज़ करती हूँ। और बाकी मैं हनु के साथ खेलती भी हूँ गार्डन में, तो उससे भी मुझे अपने माइंड को रिलैक्स करने में बहुत हेल्प मिलती है। और मैं आ गई हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद सेकंड स्लॉट के लिए, और अभी टाइम हो रहा है 11:38। तो अभी तक मैंने पूरा काम करने में मुझे इतना टाइम लग गया है कि 11:38 हो गया है। अभी तक मैंने 2 या 3 आवर की स्टडी और कर ली होती अगर मैंने काम नहीं किया होता तो, मगर काम छूट जाता फिर। तो वही है कि हमें दोनों को बैलेंस कैसे बिठाना है वो हमें डेली ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन हमारा एक जैसा कभी हो नहीं सकता है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें पूरी पूरी कोशिश करनी है सक्सेस होने की। तो हम इतनी मेहनत करेंगे तो हमारी किस्मत भी बदलने के लिए रेडी हो जाएगी, और वो भी ज़रूर एक दिन हमारा साथ देगी। और हमें इसीलिए बहुत पढ़ाई करनी है, अपनी जी जान लगा देनी है। तो बाय फ्रेंड।